हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक विद द सेशन, जिसमें आज हम लोग 4th ऑफ सितंबर के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। सो आज के हम न्यूज़पेपर की बात करें तो आज के न्यूज़पेपर में न्यूज़ेस भी कम है हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से, उसके साथ एडिटोरियल भी कम है ना। सो आज का जो एनालिसिस है वो बहुत छोटा होने वाला है, छोटा इनक्रिप्ट होने वाला है। वही न्यूज़ अपन पढ़ेंगे, वही न्यूज़ को अपन डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगी। सो द फर्स्ट न्यूज़, व्हाट हैपेंड, बेसिकली रिपोर्ट निकल के आई। हुआ क्या, लॉकडाउन में एक तो डिमांड भी कम थी क्योंकि लोगों का पैसा नहीं था, और सप्लाई तो थी लेकिन सप्लाई पहुंच नहीं पा रही थी। सप्लाई भी कम थी, डिमांड भी कम थी, लेकिन तब भी हम देखें तो प्राइसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज होने लगे। हमने पेट्रोल के प्राइस देखे, हमने डीजल के प्राइसेस देखे जो कि बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहे थे। लेकिन एडिबल ऑयल जो होते हैं ना, एडिबल ऑयल की प्राइसेस इंक्रीज होने लगे आपके डिमांड कम होने के बावजूद भी, बल्कि जब डिमांड बढ़ती है तब आपका प्राइसेस बढ़ते हैं, बट एडिबल ऑयल के प्राइसेस और ज्यादा बढ़ने लगे थे। लेकिन ऑफिशियल्स का रिपोर्ट आया, फूड सेक्रेटरी ऑफ इंडिया जो है, और उनका ऑफिशियल्स का स्टेटमेंट आया कि जो एडिबल ऑयल्स है, अब एडिबल ऑयल्स मतलब सोया ऑयल होता है, वनस्पति ऑयल, पाम ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंड नट ऑयल, सो ये सारे ऑयल जो है ना, इनके प्राइसेस जो बहुत हाइक कर गए थे अभी 3-4 महीने पहले, वो प्राइसेस ईज डाउन हो जाएंगे बाय द मंथ ऑफ दिसंबर। अब क्वेश्चन उठता है कि प्राइसेस बढ़े क्यों थे, है ना। तो अगर हम बात करें तो अगर कितने प्राइसेस बढ़ गए थे, अराउंड 48% से प्राइस बढ़ गया था। मतलब अगर 100 रुपीज पर लीटर एडेबल ऑयल आता था, वो 48% से इंक्रीज हो गया था। मतलब अभी वो 148 रुपीज का मिल रहा है। सो इतना ज्यादा रैपिडली क्यों इंक्रीज हुआ, तो ऑफिशियल्स ने बताया कि वन ऑफ द मेन रीजन जो था बढ़ने का, वो था कि ग्लोबल प्राइसेस जो है ना, ग्लोबल प्राइसेस बहुत ज्यादा सर्च करने लगे थे। क्यों? क्योंकि चाइना ने एडेबल ऑयल को एक्सेसिवली खरीद रहे थे। चाइना जो है एडेबल ऑयल को बहुत ज्यादा खरीद रहा था, क्योंकि एडेबल ऑयल इंडिया में इंपोर्ट होता है डिफरेंट नेशन से, ईरान से, सऊदी अरेबिया से, इन सारे नेशन से इंपोर्ट होता है। तो यही कहना है, यही कहना था ऑफिशियल्स का कि चाइना जो है ना बहुत ज्यादा एडेबल ऑयल खरीद रहा था। तो जो इंपोर्टर्स थे उनको लग रहा था कि डिमांड बढ़ रही है, जिसके चलते जब डिमांड बढ़ी वर्ल्ड में तो प्राइसेस भी बढ़ गए, उन्होंने प्राइसेस भी बढ़ा दिए। और दूसरा जो मेजर रीजन है वो ये हुआ कि जो ऑयल प्रोड्यूसर्स कंट्रीज है, वो एडेबल ऑयल को बायोफ्यूल को बनाने में कन्वर्ट करने लगी, मतलब बायोफ्यूल को बनाने में यूज करने लगी। सो वो खुद ही कंज्यूम करने लगी जो खुद प्रोड्यूस करती नहीं, और जो एक्सेसिव बचता था वो एक्सेसिव चाइना को इंपोर्ट हो जाता था। दीज आर दी टू मेन रीजंस कि जिसके चलते एडेबल ऑयल की प्राइसेस जो है ना बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए थे बाय द 48% ऑन एन एवरेज ऑफ 48%। बाकी अगर हम बात करें तो सनफ्लावर और डिफरेंट अदर फ्लावर्स जो होते हैं ना, वो और रैपिड तरीके से इंक्रीज हो गए थे। सो वही बोला है कि परेशान मत होइए, और एडेबल ऑयल के प्राइसेस जो है ना वो दिसंबर में ईज डाउन हो जाएंगे। और दीज आर दी टू मेन रीजंस। पहला रीजन था एडेबल ऑयल के प्राइसेस क्यों बढ़ रहे थे कि चाइना एक्सेसिवली बहुत ज्यादा खरीदने लगा था, और दूसरा जो प्रोड्यूसर्स थे एडेबल ऑयल के, वो खुद बायोफ्यूल पॉलिसीज में, मतलब बायोफ्यूल को कन्वर्ट करने में लगे हुए थे, इसके चलते प्राइसेस जो है एडेबल ऑयल के बढ़ने लगे। तालिबान की हम बात करें तो 15 अगस्त को तालिबान ने काबुल पे कैप्चर कर लिया था, और ये पूरे वर्ल्ड को पता लग गया था कि अब तालिबान जो है वो कंट्रोल करेगा पूरे अफगानिस्तान को। ओके, अब ट्यूसडे, इन दिस वीक ऑफ ट्यूसडे, अमेरिका का भी लास्ट डे था, अमेरिका भी पूरे तरीके से निकल गया, और जिसके बाद अब तालिबान जो है अब पूरे कंट्रोल में लेना चाहता है अफगानिस्तान को, मतलब अफगानिस्तान में अपना रिजीम फैलाना चाहता है, अपना रिजीम सेटअप करना चाहता है, मतलब अपनी गवर्नमेंट सेटअप करना चाहता है। और उसी को लेकर कल एक न्यूज आई जिसमें बताया गया कि मुल्ला बारादार, वन ऑफ दी फेमस लीडर, तालिबान लीडर, वन ऑफ दी फाउंडर ऑफ दी तालिबान, वो तालिबान गवर्नमेंट के हेड होंगे। ये क्लियर हो चुका है, वो तालिबान गवर्नमेंट के हेड होने वाले हैं। और मुल्ला याकूब, अब मुल्ला याकूब कौन है, तो मुल्ला याकूब जो है ना, मुल्ला याकूब इज द सन ऑफ उमर, मुल्ला उमर। अब मुल्ला उमर इज द फाउंडर, इज द फाउंडर ऑफ तालिबान, वो तालिबान के फाउंडर हैं। उनका उनका बेटा है मुल्ला याकूब, वो और अब्बास सतन काजी जिसने इंडिया के फेवर में स्टेटमेंट दिया था, और अभी कतर में इंडियन एम्बेसडर टू कतर से मिले भी थे, दीपक मित्तल से मिले भी थे, जिन्होंने इंडिया के साथ रिलेशंस की बात भी करी। तो ये दोनों जो है ना, ये दोनों सीनियर मेंबर्स होंगे जब तालिबान गवर्नमेंट बनाई जाएगी। और ऐसे स्पेकुलेशन है कि अब्बास सतन काजी जो है वो फॉरेन मिनिस्टर बनाए जाएंगे, जिससे
इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशंस फिर से वैसे ही हो सकते हैं जो डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट में हुआ करते थे। ओके, सारे प्रोविंस अफगानिस्तान के कंट्रोल में आ चुके हैं, बट एक प्रोविंस है पंशीर वैली। तो पंशीर वैली जहां पर नॉर्दर्न लाइंस बना हुआ है वो कंट्रोल में नहीं है, तो तालिबान चाहती है कि हम वहां पर जाएं उसको कंट्रोल में करें। लेकिन पीस टॉक की बात हुई थी कि पंशीर वैली और तालिबान के बीच में पीस टॉक होगा, बट पीस टॉक फेल हो गया, जिसके चलते देर आर स्पेकुलेशन के अभी 3-4 दिन के अंदर ही शायद अफगानिस्तान में अटैक्स हो, अफगानिस्तान में वायलेंस की बात आए, सिविल वॉर टाइप की इन्फॉर्म न्यूज आए, क्योंकि पंजशीर वैली में तालिबान के अगेंस्ट नॉर्दर्न लाइंस खड़ा हुआ है। मूविंग फर्दर, सो हमने बहुत सारी जगहों को सुना था, हमने बिहार का सुना, हमने पंजाब का सुना, हमने हैदराबाद का सुना, हमने चेन्नई का सुना, हमने केरला का सुना, अब हमें दिल्ली का सुना पड़ रहा है कि दिल्ली में जो ऑफिशियल डेटा है उससे डबल लोगों की रियलिटी में डेथ हुई है, ये निकल के आया। तो दिल्ली में भी एक्सेस डेथ जो है वो ट्वाइस है एज कंपैरिजन टू द ऑफिशियल डेटा ऑफ कोविड-19। जो गवर्नमेंट ने ऑफिशियल डेटा पब्लिश किया था कोविड-19 से कितने लोगों की डेथ हुई है, इन रियलिटी दोगुने लोगों की डेथ हुई है, डबल लोगों की डेथ हुई है। ओके, मूविंग फर्दर, तो सुप्रीम कोर्ट में तो देखो देखा जाए तो वैकेंसीज एक वैकेंसी बची हुई है, मतलब 34 की स्ट्रेंथ थी, पूरा कोरम है 34 का सुप्रीम कोर्ट में जजेस का, जिसमें से 33 जजेस तो पूरे पूरे अपॉइंट हो गए। लेकिन हाई कोर्ट में अभी भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है वैकेंसीज का, बहुत ज्यादा वैकेंसीज है हाई कोर्ट में। और इसी चीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम ने कल क्या किया, 68 नेम्स क्लियर कर दिए फॉर द हाई कोर्ट जजेस के लिए, मतलब हाई कोर्ट की वैकेंसीज को फिलअप करने के लिए अब 68 जजेस के नाम क्लियर कर चुके हैं कि ये हाई कोर्ट के जज बन जाएंगे। 68 नेम्स क्लियर हो चुके हैं, कोलेजियम सिस्टम ने कर दिया, सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम ने कर दिया। जो 68 वैकेंसी तो बहुत सारी है, लेकिन 68 वैकेंसी तो फिलअप हुई, जिसमें से देखा जाए तो डाइवर्सिटी का एग्जाम्पल भी मिला इसमें। कैसे? क्योंकि 68 नेम, 68 जजेस जो है जिनका नाम क्लियर हुआ है हाईकोर्ट के जजेस के लिए, उसमें से 10 वुमेन है, और ये 68 जजेस जो है वो 12 हाईकोर्ट में अपॉइंट होंगे। अब 12 हाईकोर्ट दिए हुए हैं इलाहाबाद, राजस्थान, बट याद करने की जरूरत नहीं है कौन कौन से 12 हाईकोर्ट है, क्योंकि जब आपका एग्जाम आएगा तब कोलिजियम सिस्टम और हाई कोर्ट्स में जजेस की वैकेंसी फिल अप कर देगी, तो याद करने की जरूरत नहीं है। ओके, एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, तो पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई विमेन जुडिशियल ऑफिसर दैट्स बिलोंग टू द शेड्यूल ट्राइब वो गुवाहाटी हाई कोर्ट की जज बन जाएंगी, एंड द नेम ऑफ दैट जज इज मरली वनकुंग। तो मरली वनकुंग जो है वो गुवाहाटी हाई कोर्ट की जज बनेगी, एंड शी विल बिकम द फर्स्ट एवर हाई कोर्ट जज फ्रॉम द स्टेट ऑफ मिजोरम, और उसके साथ साथ वो शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करती हैं और वुमेन है। सो ये डाइवर्सिटी का एग्जाम्पल बताया जाए, तो देखा जाए तो एनवी रमन का टेन्योर जो है ना सुप्रीम कोर्ट सीजीआई, इट्स गोइंग वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। तो मतलब इसका मतलब हमेशा ये नहीं होता कि कुछ आपके पास बेस होना चाहिए, फैमिली का बेस होना चाहिए तब तो आप लिटिगेशन में अच्छा करवाओ। ये सब एनवी रमन्ना ने जो स्पेकुलेशन से, ये सब जो ये सारी धारणाएं जो थी कि सुप्रीम कोर्ट के जज या हाई कोर्ट के जज या फिर सीजीआई सिर्फ वही बन सकते हैं जो जिनके फादर या इनके कोई फैमिली मेंबर बहुत जुडिशियल बड़ी पोस्ट में हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। एनवी रमन्ना इज द फर्स्ट सीजीआई इन इंडिया, है ना। हाँ, वो बात जरूर है कि वो पहले, अभी आफ्टर दी 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, वो पहले सीजीआई है जिनका, जो कि फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट है या फर्स्ट जनरेशन लॉयर है वो। उनके फैमिली ने, किसी ने भी लॉ नहीं किया था, कोई लॉयर नहीं था, ही इज फर्स्ट जनरेशन लॉयर, और वो इंडिया के भी सीजीआई हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई हैं। सो या अच्छा देखा जाए तो उनका टेन्योर जो है हिस्ट्री में लिखा जाएगा, क्योंकि उनके टेन्योर में बहुत अच्छे अच्छे काम भी हुए हैं। मूविंग फर्दर, सो दिस समथिंग अबाउट सिटी, तो हमें सिटी के बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ना है ना। सेम गोज विद द सदर्न पेज, नॉर्थ ईस्ट पेज, सदर्न नॉर्थ ईस्ट पेज पर भी आज कुछ ऐसा नहीं है जो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो। सो अगेन ऑन द एडिटोरियल पेज, या ये दिस इज समथिंग अबाउट सर्टेनिटी, नॉट द एंड ऑफ द रोड ऑफ द यूएस। अच्छा, ये जो एडिटोरियल है ना, ये एडिटोरियल बता रहा है कि यूएस का क्या प्रेजेंस रहा, यूएस ने कैसे अफगानिस्तान में एंटर किया, यूएस की क्या आइडियोलॉजी थी जब एंटर किए थे, फिर उसके बाद यूएस क्यों एग्जिट कर गया अफगानिस्तान से, मेन रीजन क्या थे, बाइडेन की प्रेसिडेंसी के बारे में बताया कि बाइडेन बहुत कमजोर प्रेसिडेंट डिपेक्ट हो रहे हैं अभी के समय में। सो वही बात है, वही बताया गया। एंड दिस समथिंग अबाउट कि कल जो रिपोर्ट निकल के आई कि अगस्त में जीएसटी कलेक्शन जो हुआ है वो 1.1
1.2 लाख करोड़ रुपीज हुआ है, एज कंपेरिजन टू द मंथ ऑफ जुलाई थोड़ा कम है ना। लेकिन वही बात हम लास्ट ईयर से करें, लास्ट ईयर ऑफ अगस्त से करें, तो भैया 48% 45% से इंक्रीज कर गया। तो उसी के बारे में बताया गया, डेटा है, लेकिन जितना पढ़ना था हम पढ़ चुके कल के न्यूज में, जितना पढ़ना था उससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट न्यूज इज समथिंग अबाउट द एंडिंग द फॉर एवर, सेम आई विल रिकमेंड कि आप ये खुद पढ़ें। द रीजन बींग इज क्योंकि ये अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बहुत बार डिस्कस किया है अपन ने तालिबान वाला इशू, सो जस्ट रीड इट ऑन योर ओन, है ना। आज एक ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है जो कि खुद पढ़ना है आपको। मूविंग फर्दर, अच्छा दिस इज समथिंग अबाउट द ग्राउंड जीरो, तो ये हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये सिर्फ एक रीजनल न्यूज के बारे में बताता है। तो उसके बारे में बताया गया कि एक पर्सन है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग करता है, हवाला हवाला करता है और दो लोगों के बीच में ट्रीटी करवाता है और डिपिक्ट करता है, इम्पर्सोनेट करता है कि मैं बहुत बड़ा गवर्नमेंट ऑफिसर हूं, जज हूं, तो ब्राइब लेता है लोगों से गलत तरीके से, एक्सटॉर्ट करता है मनी। उसके बारे में बताया गया जो कि हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। मूविंग फर्दर, सो हुआ क्या, वेस्ट बंगाल ने पिटिशन फाइल करी थी, वेस्ट बंगाल ने पिटिशन फाइल करी थी। उन्होंने बोला था कि स्टेट में जो डीजीपी अपॉइंट होते हैं, डीजीपी इज डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जो कि स्टेट पुलिस का सबसे बड़ा हेड होता है ना। जैसे वेस्ट बंगाल में, अगर वेस्ट बंगाल का डीजीपी, वेस्ट बंगाल की जितनी भी पुलिस है ना सब उसके कंट्रोल में, यूपी का डीजीपी, यूपी की जितनी भी पुलिस है ना सब उसके कंट्रोल में, ही इज हेड ऑफ दी ऑल दी इंटरनल सिक्योरिटी, यहां बात करें पूरी पुलिस फोर्स का वो हेड है। तो डीजीपी का अपॉइंटमेंट जो होता है ना वो यूपीएससी बॉडी के थ्रू कराया जाता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो बहुत लोगों के अंदर मिसकंसेप्शन है कि यूपीएससी एग्जाम है, यूपीएससी इज नॉट एन एग्जाम, यूपीएससी इज अ बॉडी ना। यूपीएससी एग्जाम बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट कराती है, जैसे सीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, जिसको बहुत सारे लोग गलत समझ लेते हैं कि यूपीएससी एग्जाम है जो कि जिससे आईएएस बनते हैं, नहीं, यूपीएससी एक एग्जाम कंडक्ट कराती है, द नेम ऑफ द एग्जामिनेशन इज सीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। यूपीएससी एनडीए भी कराती है, यूपीएससी सीडीएस भी कराती है, यूपीएससी डिफरेंट पोस्ट के लिए भी एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है। सो वैसे ही यूपीएससी जो है ना उसके पास पावर है अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि वो डीजीपी का अपॉइंटमेंट करे, और उसी को लेकर वेस्ट बंगाल में पिटीशन फाइल हुई थी कि भैया अगर यूपीएससी एज अ बॉडी को पावर मिल गई कि स्टेट में वो डीजीपी अपॉइंट करे, तो फिर ये फेडरल स्ट्रक्चर का, बेसिकली फेडरल स्ट्रक्चर को डिमिनिश किया जा रहा है, डाइल्यूट किया जा रहा है, क्योंकि स्टेट की पावर ही नहीं है जब डीजीपी को अपॉइंट करने में, तो अभी सी बात है कि फेडरलिज्म के अगेंस्ट में है ये। फेडरलिज्म इज समथिंग अबाउट कि पावर डिवाइडेड है। उसी चीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, यूपीएससी के पास पहले भी पावर थी कि दे कैन अपॉइंट दी डीजीपी इन इन एनी स्टेट, एंड सेम गोज विथ वेस्ट बंगाल ऑल्सो, वेस्ट बंगाल इज द स्टेट ऑफ द इंडिया, सो ये कोई भी फेडरल स्ट्रक्चर को वॉयलेट नहीं कर रहा। हाँ अपॉइंट हम करेंगे लेकिन आपके अंडर में काम करेगा, ये है ना। बात क्या है कि हमारी बात माने तो आपकी बात मानेगा, आपके अंडर में काम करेगा, स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल में काम करेगा, लेकिन अपॉइंटमेंट हमारे बेसिस पे होगा, यूपीएससी अपॉइंट करेगा। मूविंग फर्दर, सो कैलकाटा हाईकोर्ट ने, जो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ कैलकाटा हाईकोर्ट रही है मंजुला छिल्लर, मंजुला छिल्लर को बेसिकली मॉनिटर करने को बोला है कि आप पोस्ट पोल वॉलेंस इलेक्शन में आप मॉनिटर करना, जो एसआईटी फॉर्म हुई है ना स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो इन्वेस्टिगेट करेगी पोस्ट पोल वायलेंस में जो वेस्ट बंगाल में हुए थे, तो उसको लेकर कैलकाटा हाईकोर्ट ने, जो फॉर्मर सीजीआई रही है कैलकाटा हाईकोर्ट की, मंजुला छिल्लर को बोला है कि आप मॉनिटर करिएगा एसआईटी को, और आप बेसिकली रिपोर्टिंग हेड होंगी एसआईटी के लिए, एसआईटी जो भी होगी एसआईटी आपके पास आएगी, जो भी रिपोर्ट देना है एसआईटी आपके पास आएगी। मूविंग फर्दर, सो ऑन द नेशनल न्यूज, व्हाट हैपेंड, मीटिंग हो रही थी, एक फोरम था फार ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम 2021, जिसमें इंडिया के प्रेसिडेंट, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने स्पीच दी, जिसमें बताया कि कैसे इंडिया और रशिया की फ्रेंडशिप हमेशा, जब भी समय आता है ना हमेशा वो साथ में खड़े रहते हैं। अब ये चीज क्यों आई, हुआ क्या, अभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इन द मंथ ऑफ अगस्त इंडिया प्रेसिडेंट था और इंडिया ने रेजोल्यूशन प्रेजेंट किया था जिसमें उन्होंने अफगानिस्तान के इश्यूज के बारे में बताया था कि अफगानिस्तान में तालिबान का रिजीम ठीक है हो गया, लेकिन ये चीजें करनी चाहिए तालिबान को, जिसमें से 5 परमानेंट मेंबर्स में से 3 परमानेंट मेंबर्स ने रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया था और 2 परमानेंट मेंबर जिसमें से रशिया और चाइना थे, दोनों ने एब्सेंट हो गए जब वो रेजोल्यूशन प्रेजेंट हुआ। और ऐसे स्पेकुलेशन थे कि इंडिया और रशिया के फ्रेंडशिप पर क्वेश्चन उठ सकता है कि इंडिया और रशिया की क्या फ्यूचर रहेगा,
रिलेशनशिप को लेकर। इसी चीज को लेकर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बताया कि बिल्कुल ऐसा नहीं है, जब भी समय आता है ना तब भी इंडिया और रशिया के रिलेशंस हमेशा अच्छे रहे हैं, हमेशा हम लोगों ने अच्छी अच्छा मोरल दिया है फ्रेंडशिप का इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में। और उन्होंने एक चीज बताई कि अभी की हम बात करें तो अभी भी दिख जाएगा कि कोविड 19 के समय हमने कोविड 19 को कैसे टैकल किया। स्पुटनिक थर्ड वैक्सीन थी इंडिया में जिसको परमिशन मिली थी, और पहली इंटरनेशनल वैक्सीन थी, किसी और कंट्री की वैक्सीन थी जिसको परमिशन मिल गई थी। सो हम दोनों ने, दोनों कंट्री ने एक दूसरे की मदद करके कोविड 19 के वैक्सीन प्रॉब्लम को एलिमिनेट किया था। सो ये बताया गया क्योंकि इंडिया नहीं चाहता कि रशिया के साथ उसका रिलेशनशिप खराब हो। अगर रशिया के साथ रिलेशन खराब होंगे तो ऑब्वियसली बात है चाइना और रशिया फिर ऑब्वियसली दे बोथ आर फ्रेंड्स, और इंडिया के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। और रशिया देखा जाए तो इज ऑल्सो अ नेबरिंग नेशन ऑफ इंडिया, है ना, और चाइना से उसका बॉर्डर टच भी होता है, चाइना से भी होता है आपका, मंगोलिया से भी होता है। मूविंग फर्दर, सो व्हाट हैपेंड, मद्रास हाईकोर्ट ने प्ली फाइल हुई थी अगेंस्ट दी आईटी रूल्स को लेकर। गवर्नमेंट ने उस चीज को रिस्पॉन्ड किया, गवर्नमेंट ने बोला कि आईटी रूल्स जो बने हैं ना, ये आईटी रूल्स बेसिकली बने हैं टू रेगुलेट दी अनलॉफुल कंटेंट के लिए, है ना, कि हम अनलॉफुल कंटेंट को रेगुलेट कर सकें, कंटेंट को रेगुलेट कर सकें, और ये पब्लिक के इंटरेस्ट में है, पब्लिक के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं डाल रहा। ओके, मूविंग फर्दर, सो इंडिया और यूएस के बीच में एक प्रोजेक्ट को लेकर एग्रीमेंट साइन हुआ है, एंड जो प्रोजेक्ट जो है वो प्रोजेक्ट इज अबाउट द एयर लॉन्च यूएवी, एंड यूएवी मतलब बेसिकली अनमैन्ड एरियल व्हीकल, है ना, उसको लेकर बेसिकली इंडिया और यूएस के बीच में प्रोजेक्ट साइन हुआ है। ओके, सो ये बस नोट डाउन करना कि प्रोजेक्ट का नाम क्या है और कौन सी लेबोरेटरी बना रही है। सो दिस इज समथिंग अबाउट एयरफोर्स रिसर्च लेबोरेटरी विद द हेल्प ऑफ इंडियन एयरफोर्स डिफेंस डीआरडीओ, जो कि डिजाइन करेंगी और प्रोटोटाइप बनाएंगी आपका एयर लॉन्च्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल, मतलब ड्रोन्स बेसिकली हम बात करें तो यूएवी मतलब ड्रोन्स होते हैं, अनमैन्ड मतलब जिसमें कोई मैन नहीं बैठता, एरियल व्हीकल मतलब जो हवा में दौड़े तो वो ड्रोन ही होता है। मूविंग फर्दर, सो अगेन फ्रॉम द नेशनल न्यूज, सो व्हाट हैपेंड, अराउंड टू इयर्स से, दो साल से सुप्रीम कोर्ट की वर्चुअल हियरिंग चल रही है, दो साल से, अराउंड टू इयर्स होने वाले हैं, दो साल से वर्चुअल हियरिंग चल रही है सुप्रीम कोर्ट की। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट में नया सॉफ्टवेयर आ गया वर्चुअल हियरिंग को लेकर, है ना, वर्चुअल हियरिंग में जो एक नया सॉफ्टवेयर इंक्लूड हुआ जिसमें सीजीआई ने रिमार्क दिए, सीजीआई ने बोला कि जो नया सॉफ्टवेयर आया ना, आई एम नॉट हैप्पी विद द न्यू सॉफ्टवेयर, उसमें बहुत सारे ग्लिचेस आ रहे हैं वर्चुअल हियरिंग के पर्सपेक्टिव से, और जो पुराना सॉफ्टवेयर था वही पुराना सॉफ्टवेयर आप लेकर आओ, क्योंकि पुराना सॉफ्टवेयर एनी डे अच्छा काम कर रहा था एज कंपेरिजन टू दी जो भी नया सॉफ्टवेयर आया है। ओके, तो उन्होंने इस पर रिमार्क दिया है कि जो नया सॉफ्टवेयर आया है जो इंक्लूड हुआ है सुप्रीम कोर्ट की वर्चुअल हियरिंग में उसको हटा दो, और जो पुराना वाला था वो पुराना लेके आ जाओ। तो ही इज डिससैटिस्फाइड विद द न्यू सॉफ्टवेयर जो कि वर्चुअल हियरिंग में आया है। मूविंग फर्दर, सो कल हमने न्यूज पढ़ी थी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में अराउंड 1/3 ऑफ द वैकेंसीज बची हुई है, मतलब 6,000 वैकेंसीज है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में टीचिंग स्टाफ में, और धर्मेंद्र प्रधान ने बोला है कि हम आपको सिर्फ 2 महीने का वक्त देंगे, By the end of October, वैकेंसी जितनी भी हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में वो सारी की सारी फिलअप हो जानी चाहिए। ये धर्मेंद्र प्रधान ने अल्टीमेटम दे दिया है टू दी ऑल दी वीसीज। मूविंग फर्दर, सो इन्वायरमेंटलिस्ट जो है, इन्वायरमेंटलिस्ट देखो जब हम मैनग्रोव फॉरेस्ट की बात करते हैं ना, सो मैनग्रोव फॉरेस्ट बेसिकली सिर्फ वेस्ट बंगाल में नहीं है, उड़ीसा में भी है, जहां जहां कोस्ट लगता है ना, और जहां जहां कोस्ट के साथ साथ थोड़ा हुआ बैरकिश वाटर है, बैरकिश वाटर मतलब फ्रेश वाटर और सॉल्टी वाटर दोनों मिल जाते हैं, तो उसको बोलते हैं बेसिकली बैरकिश वाटर, कि फ्रेश वाटर भी है और सॉल्टी वाटर भी है, और वेस्ट बंगाल में वैसा ही है, उड़ीसा में वैसा ही है, क्योंकि उड़ीसा में महानदी है और डिफरेंट बहुत सारी नदियां निकली हुई हैं, बहुत सारी रिवर्स है जो कि सबमर्ज होती है तुम्हारे बे ऑफ बंगाल में, सेम गोज विद वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में भी गंगा है एंड डिफरेंट अदर स्मॉल रिवर्स हैं जो कि सबमर्ज हो जाती हैं आपके सीज में बे ऑफ बंगाल में, तो बैरकिश वाटर बन जाता है। तो उधर होती है मैनग्रोव फॉरेस्ट, उस एरिया में जब फॉरेस्ट आने लगते हैं जो कि थोड़े थोड़े सबमर्ज होते हैं बेसिकली वाटर के अंदर, बैरकिश वाटर में जो फॉरेस्ट निकलते हैं उनको बोलते हैं मैनग्रोव फॉरेस्ट। तो मैनग्रोव फॉरेस्ट जो है ना वो वेस्ट बंगाल में भी है और उड़ीसा में भी है, वेस्ट बंगाल में तो है उसके बाद उड़ीसा में भी है, और उड़ीसा में कहां पर है, बेसिकली ब्रह्मानी रिवर के आसपास, ब्रह्मानी रिवर के बेसिन के आसपास
ये बेसिकली फ्रेश वाटर है। लेकिन हुआ क्या, रिसेंटली ब्रह्मानी जो रिवर है उसका बेसिकली डायवर्जन कर दिया गया। अब ब्रह्मानी रिवर में फ्रेश वाटर था और ब्रह्मानी रिवर के बेसिन पर ही मैंग्रोव स्पीसीज, मैंग्रोव फॉरेस्ट बना हुआ है और वो रामसर साइट भी है, ठीक है, एंड द नेम ऑफ दी दैट दैट वेटलैंड साइट इज भितर कनिका, भितर कनिका। तो भितर कनिका इज अ रामसर वेटलैंड साइट जो कि स्प्रेड होता है 195 स्क्वायर किलोमीटर में, और वहां पर अराउंड 62 मैंग्रोव स्पीसीज का घर है। तो वही बताया गया, उसके साथ साथ क्रोकोडाइल्स भी है वहां पर, वही बताया गया कि जो कि रामसर साइट है भरत कनिका, भीतर कनिका, तो भीतर कनिका में ब्रह्मानी वाटर आता था, ब्रह्मानी रिवर वाटर आता था, लेकिन ब्रह्मानी रिवर वाटर का डायवर्जन कर दिया गया, मतलब फ्रेश फ्रेश वाटर डायवर्ज हो गया, जिसके चलते अब सॉल्टी वाटर ज्यादा उस फॉरेस्ट में है, उस रामसर वेटलैंड में, जिसके चलते मैंग्रोव स्पीसीज को बिकॉज ऑफ दी सॉल्टीनेस, बिकॉज ऑफ दी हाई सेलिनिटी, मैंग्रोव्स को बहुत ज्यादा थ्रेट मिल रहा है, मतलब मैंग्रोव फॉरेस्ट कम हो सकते हैं, मैंग्रोव स्पीसीज जो है वो एलिमिनेट हो सकती है बिकॉज ऑफ दी हाई सेलिनिटी इन दी वाटर। तो फ्रेश वाटर का डायवर्जन नहीं करना चाहिए था, मतलब ब्रह्मानी रिवर का डायवर्जन नहीं करना चाहिए था, ये बेसिकली एनवायरमेंटलिस्ट का कहना है। मूविंग फर्दर, सो दिस इज समथिंग अबाउट एडवर्टीजमेंट, तो मैं एडवर्टीजमेंट से बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ओके। सो विल मूव फर्दर टुवर्ड दी वर्ल्ड न्यूज, वही बात वही न्यूज दी गई है कि तालिबान जो है वो बैटल करेगा विद दी फाइनल होल्ड आउट प्रोविंस के साथ, जो कि है पंजशीर वैली। और पंजशीर वैली हिस्ट्री रही है कि पंजशीर वैली किसी के कंट्रोल में नहीं रही, मतलब तालिबान आज तक पंजशीर वैली को कंट्रोल में नहीं ला पाया, अपने प्रोविंस अपने अपने कंट्रोल में नहीं ला पाया। और अभी जो पंजशीर वैली के जो हेड हैं, जो जो रेगुलेट कर रहे हैं, मतलब लीडर हैं, अहमद मसूद, अहमद मसूद का कहना है कि हमारी जो फोर्स है वो बहुत लॉयल है पंजशीर वैली को लेकर। सो आज का एनालिसिस इतना ही था, इतनी ही इंपॉर्टेंट न्यूज है आज। आज देखा जाए तो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव एडिटोरियल भी कमी थे ही नहीं। सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ टुडेज न्यूज पेपर। हम लोग कल फिर मिलेंगे ऑन संडे विद सम एक्साइटिंग न्यूज, सम एक्साइटिंग करंट अफेयर्स। तो तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे, बाय बाय गाइस।